सो गाइज, अगर आप भी इंस्टाग्राम रील्स पर इस टाइप के अश्विन भाई जैसे वीडियोस, अंश पंडित भाई जैसे वीडियोस, मतलब शायरी डायलॉग वाले वीडियोस बनाना चाहते हो, अरे हमारे हौसलों की उड़ान आप नहीं समझ पाएंगे। हम वो परिंदे हैं मेरी जान, जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। लेकिन यार आपके पास अच्छी क्वालिटी का माइक नहीं है, तो यार आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास तो अच्छी क्वालिटी का माइक नहीं है, तो मैं यार मतलब कैसे वीडियो बना पाऊंगा। तो आपका भाई आपकी मदद करने वाला है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा एंड तक देख लेना, मतलब पूरा कंप्लीट वीडियो देख लेना भाइयों, तो आप विदाउट माइक बेस्ट क्वालिटी का वीडियो बनाना सीख जाओगे। क्योंकि हर चीज का जुगाड़ आपके भाई के पास रहता है यार। इसलिए तो बोलता हूँ यार, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर लेना, साइड में बेल आइकन मिलेगा उसको प्रेस करना, क्योंकि मैं इस तरह की जुगाड़ इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने चैनल पर रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। तो चले बिना कि देर कैच के इस कमाल के धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो यार, जो क्रिएटर्स लोग होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अश्विन भाई हो गए, अंश पंडित भाई हो गए, ठीक है, ये जो क्रिएटर्स लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं शायरी डायलॉग वाले वीडियोस, तो ये क्या करते हैं अपनी वीडियोस में माइक यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉलर माइक, एक अच्छे क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का कॉलर माइक यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि ऑडियो क्वालिटी नेक्स्ट लेवल, मतलब ऑडियो क्वालिटी बहुत तगड़ी बनती है भाई, क्योंकि माइक का काम ही यही रहता है। माइक क्या करते हैं भाई, जो बैकग्राउंड नॉइस रहता है ना, जैसे कि गाड़ी का आवाज़ हो गया, पंछी का आवाज़ हो गया, ठीक है, तो वो आवाज़ को दबाता है, नीचे दबाता है, और अपन जो बोल रहे ना सिर्फ वही आवाज़ को ऊपर लेके जाता है, ठीक है, तो यही काम रहता है माइक का। इसलिए तो भाई उनके वीडियोस चलती है यार, इसलिए तो इनके वीडियोस पर अच्छे खासे लाइक्स आते हैं, क्योंकि शायरी डायलॉग वाले वीडियोस में ऑडियो क्वालिटी पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है भाई, ऑडियो क्वालिटी सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है। तो अगर आप एफर्ट कर सकते हो, मतलब थोड़ा पैसे वगैरह लगा सकते हो, तो मैं आपको एक माइक सजेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग एक माइक देख सकते हो, ठीक है, बोया का एक माइक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त बेस्ट क्वालिटी का माइक है भाई, तो आप लोग इसे बाय करना होगा तो बाय कर सकते हो, मैं इसकी बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, ठीक है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आप लोग बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई, जिन भाइयों के पास कॉलर माइक नहीं है, ठीक है, तो उनको क्या करना है, कहीं बाहर आउटडोर लोकेशन में चले जाना है वीडियो शूट करने के लिए, ठीक है, शायरी डायलॉग वाला जो आपका वीडियो, और ऐसा लोकेशन सिलेक्ट करना आप लोग जहाँ पर मतलब शांति हो। अरे यार लड़की नहीं भाई, मतलब शांति, मतलब ऐसा एकदम साइलेंट एनवायरनमेंट हो, ठीक है, ज्यादा आवाज नहीं आ रही हो, तो ऐसे लोकेशन पर आप लोग को चले जाना है और वहां पर आप लोग को वीडियो को शूट कर लेना है। ना साथ किसी का, ना सहारा है कोई, ना हम किसी के, ना हमारा है कोई। तो जो पहला काम है वो आप लोगों ने कर दिया, वीडियो को शूट कर लिया। अब भाई जो दूसरा काम है ना, वो आपको क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐप की लिंक दिया, ठीक है, तो उस ऐप को आप लोगों को डाउनलोड कर देना है, डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कर देना है, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस ऐप के अंदर और बताता हूँ आगे क्या क्या करना है, ठीक है। तो गाइस कुछ इस टाइप से आप लोगों को शायरी बोल के, ठीक है, डायलॉग बोल के वीडियो को रिकॉर्ड, मतलब वीडियो को शूट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है गाइस, ये वाला नॉइस रिडक्शन नाम का ऐप इंस्टॉल कर देना है अपने फोन में, ठीक है भाई, देख सकते हैं आप लोग, ये आप लोग को ऐप प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ठीक है, तो भाई जाके डाउनलोड कर देना, या फिर मैं लिंक भी दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ऐप को ओपन कर देते और बताता हूँ मैं आगे क्या क्या करना है, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, एकदम ध्यान से देखो भाई, वीडियो को बहुत ज़्यादा मजा आएगा। बट उससे पहले आप लोग क्या करना, यहाँ पर अपना डाटा कनेक्शन ऑन कर देना, मतलब इंटरनेट कनेक्शन, तभी ये ऐप, मतलब ये ऐप इंटरनेट कनेक्शन लेता है, तो मैंने ऑन कर दिया है, आप लोग भी ऑन कर देना। अब भाई ऐप के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन शो होगा नॉइस रिड्यूसर नाम का, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को सिलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर आप लोग को फाइल नेम लिख देना है, ठीक है, जो आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो, या फिर आप लोग जो डिफॉल्ट था अनटाइटल, ठीक है, वो भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे कि लिख देता हूँ उदय, ठीक है, एंड रिड्यूस नॉइस पर क्लिक कर देना है। तो अब आप लोग जादू देखो भाई, बस आप लोग वीडियो को देखो यार। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो अपन ने ओरिजिनल वीडियो अपना, ठीक है, जो अपने शूट किए, वो सबसे पहले प्ले करके दिखा देता हूँ, और उसके बाद अपन ने क्या किए रिजल्ट वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए ओरिजिनल पर क्लिक कर देता हूँ। ना साथ किसी का, ना सहारा है कोई, ना हम किसी के, ना हमारा है कोई। तो देखो भाई, ये था ओरिजिनल वीडियो। अब अपन ने जो वीडियो में का जो नॉइस है उसको रिड्यूस किया ना, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट बना है भाई, आहा बहुत ज़बरदस्त है, कत्ते ही जहर। चलिए वो रिजल्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो नॉइस लेस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ना साथ किसी का, ना सहारा है कोई, ना हम किसी के, ना हमारा है कोई। वाह यार, क्या जबरदस्त ऑडियो क्वालिटी आ चुकी है भाई, मतलब बहुत तगड़ी ऑडियो क्वालिटी आ चुकी है वीडियो में। तो ये जो अपन ने ऐप यूज़ किया ना, तो उस ऐप ने क्या किया, हमारे वीडियो का जो बैकग्राउंड नॉइस है, ठीक है, जो फालतू का आवाज़ है ना, उसको कम कर दिया, और जो मैंने बोला ना, जो मैंने स्पीक किया, ठीक है, तो मेरी जो आवाज़ है उसको ऊपर लेके आया, ठीक है, जिससे कि ऑडियो क्वालिटी में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, मतलब बहुत सही लग रहा है वीडियो देखने में, सुनने में। लेकिन भाई इस ऐप ने जो बैकग्राउंड नॉइस है वो उतना रिड्यूस नहीं कर पाया जितना माइक करता है।
जाता है भाई, मतलब माइक की बात ही अलग है यार। तो यार उससे कुछ नहीं होता, जो बंदा वीडियो में बोल रहा है ठीक है, बस उसका आवाज़ तो हमें अच्छे से सुनाई आ रहा है ना यार, बस काम खत्म भाई। यही तो जुगाड़ रहता है यार ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने का, ठीक है। तो भाई ये बहुत ज़बरदस्त ऐप है नॉइस रिडक्शन नाम का, ठीक है। इसको आप लोग यूज़ करो अपनी वीडियो में भाई, ऑडियो क्वालिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी आपकी। अब गाइस ये जो वीडियो है ना वो ऑटोमेटिक गैलरी में सेव हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्रॉस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो आप लोगों ने वीडियो का जो बैकग्राउंड नॉइस है उसको तो कम कर लिया है, और आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है उसको तो भाई बढ़ा दिया है, जिससे कि वीडियो आपका तगड़ा बन चुका है। अब भाई आपको क्या करना है, वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, क्योंकि भाई वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक ही नहीं लगाएंगे तो यार मजा कैसे आएगा। तो वीडियो में किस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, अभी भाई ये शायद तो आपको आता ही होगा कि भाई वीडियो में किस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है। भाई साउंड ऐड कर लेना बस लग गया म्यूजिक, नहीं 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 नहीं, ये भाई टिकटॉक के जमाने में चलता था, अपन तो ये भाई रील्स क्रिएटर। अभी इसका पार्ट टू आएगा, मतलब इसके बाद एक वीडियो डालूंगा, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक शायरी वाले वीडियोस में ऐड करनी। लेकिन उस वीडियो में मैं आपको एक अलग टाइप की बैकग्राउंड म्यूजिक वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा, ठीक है। मतलब भाई पूरा न्यू कॉन्सेप्ट है, पूरी न्यू एडिटिंग है, एकदम न्यू कमाल की फ्रेश वाली एडिटिंग है। सो उसके लिए भी रेडी रहो, पार्ट टू इसका बस जल्दी ही लाऊंगा, कल परसों ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो रेडी रहना, और आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो भाई लाइक कर देना यार। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।